अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर एक, किस शख्स का हाथ काटने का हुक्म है? आपके ऑप्शन हैं ए चोर, बी बेहया, सी कातिल, डी जालिम। सही जवाब है ए चोर। सवाल नंबर दो, अल्लाह ताला किस शख्स से नाराज होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जालिम से, बी झूठी कसम खाने वाले से, सी बेनमाजी से, डी चोर से। सही जवाब है बी झूठी कसम खाने वाले से। सवाल नंबर तीन, अमाल को किसके लिए खालिस करना है? आपके ऑप्शन हैं ए अल्लाह ताला, बी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी ओलिया, डी उलमा। सही जवाब है ए अल्लाह सुबहानहू व तआला। सवाल नंबर चार, किस चीज़ में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है? आपके ऑप्शन हैं ए सब्र व शुक्र, बी भलाई, सी नमाज, डी मदद। सही जवाब है ए सब्र व शुक्र। सवाल नंबर पाँच, किस चीज़ को मजबूती से पकड़कर कोई गुमराह नहीं हो सकता? आपके ऑप्शन हैं ए अल्लाह ताला की रस्सी को, बी सुन्नत को, सी नमाज को, डी नेक आमाल को। सही जवाब है ए अल्लाह सुबहाना व ताला की रस्सी को। सवाल नंबर छः, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए नमाजी, बी रोज़ेदार, सी परहेजगार, डी हाजी। सही जवाब है सी परहेजगार। सवाल नंबर सात, किस वक्त सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा? आपके ऑप्शन हैं ए क़यामत के करीब, बी दज्जाल के वक्त, सी हशर के वक्त, डी दज्जाल के कत्ल के बाद। सही जवाब है ए क़यामत के करीब। सवाल नंबर आठ, अल्लाह ताला किस रात अपने बंदों पर रहमत की नज़र डालता है? आपके ऑप्शन हैं ए शोबान की रात, बी हर रात, सी जुमा की रात, डी मुहर्रम की रात। सही जवाब है ए शोबान की रात। सवाल नंबर नौ, वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? आपके ऑप्शन हैं ए रोज़ा, बी नमाज, सी कुरान, डी सदका। सही जवाब है ए रोज़ा। सवाल नंबर दस, बचपन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्ती बुध की पूजा के लिए ले जाया गया तो वहाँ क्या मौजज़ा पेश आया?
सही जवाब है 10-11 साल की उम्र में अरब की रिवायत के मुताबिक जब घर वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुत की पूजा के लिए ले जाना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब ज़बरदस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां ले जाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत के पास पहुंचे तो बेहोश हो गए, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस घर ले आए। सवाल नंबर 11, रोज़ा ना रखने के बावजूद रोज़े का अजर कैसे हासिल कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रोज़ेदार को खाना खिलाकर, बी नमाज से, सी कुर्बानी से, डी गरीब की मदद से। सही जवाब है ए रोजेदार को खाना खिलाकर। सवाल नंबर 12, वो कौन सा फर्ज अमल है जो गुलाम पर फर्ज नहीं? आपके ऑप्शन हैं ए रोज़ा, बी नमाज, सी हज, डी तौहीद। सही जवाब है सी हज। सवाल नंबर 13, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान मुबारक का आखिरी शख्स कौन था? सही जवाब है माद इब्ने अदनान, क्योंकि इस पर तमाम नसाबीन मुत्तफिक हैं। सवाल नंबर 14, किस चीज़ से मुसलमानों को ख़ास परहेज़ करने का हुक्म है? आपके ऑप्शन हैं ए झूठ से, बी चोरी से, सी खलवत में औरतों से मुलाकात से, डी लड़ाई से। सही जवाब है सी खलवत में औरतों से मुलाकात से। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनद इस्लामी कुतुब से लिए गए हैं, अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाक अल्लाह खैरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।